हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और इस समय बज रहे हैं शाम के 4 और मैं यहाँ किचन में आई हूँ और मैंने जो बर्तन क्लीन किए थे उसको मैं जगह पे रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी बर्तन मैं जहाँ रखती हूँ मैं उसी जगह रखूँगी और आगे मैं चलूँगी, क्योंकि मम्मी और डैडी सब्ज़ी लाए थे दोपहर में, तो मैंने उसको अभी नहीं रखा था फ्रिज में, तो मैं उसको सही से अच्छे से लगा के फ्रिज में रखूँगी। बाकी जो ज़रूरत की सब्ज़ियाँ रहेंगी वो बाहर रखूँगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी हरी हरी सब्जियां मम्मी डैडी लाए हैं मार्केट से। ये सोया मेथी है, और जहाँ तक जिस कि हमने मैंने आपको बताया था कि पूरे ठंड हम लोग सोया मेथी खाते हैं और काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। और इधर कुछ सर्फ के पैकेट्स थे, वो मम्मी लेके आई थी, क्योंकि अभी राशन का सामान वो लेने जाएंगी तो और भी जो सर्फ वगैरह होते हैं वो ले आएंगी, तो जो क्योंकि घर में सर्फ ख़त्म हो गया था तो वो लेके आई हैं। और ये शलजम है सैलेड के लिए, और इसमें थोड़े से अमरूद हैं, और ये मूली है, और हरी धनिया है, और नींबू है। ये देखिए, श्रेयम ने इसको काट के खाया हुआ है कुछ। तो कुछ सब्जियां मैं अच्छे से लगा के पहले मैं फ्रिज में रखूंगी। ये अमरूद को सांप बोलती है, मतलब सेब, आप सुन सकते हैं वो मेरे साथ बोल रही है। तो गाइस, ये जो सोया मेथी है उसको मैं अच्छे से पहले झोले में रखूंगी, क्योंकि झोले में रखने से ये होता है ना कि वैसे ही सब्जियां हरी हरी होती हैं। तो गाइस, मैं फ्रिज में जो सब्जियां हैं उसको रखूंगी। तो इधर आप देख सकते हैं इसमें कुछ टमाटर हैं, और मम्मी टमाटर लाई हैं, तो इसको मैं अलग से रखूंगी। ये डब्बे में मैंने धनिया रखा हुआ है तोड़ के, और उधर डब्बे में मैंने मलाई रखा है जो बड़े डब्बे में है, और ये कुछ टमाटर है जो मम्मी अभी लाई है उसको मैंने पैकेट्स में डाल के बगल में रख लिया है। और ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर बैंगन उन्होंने लाया है। और यहाँ श्रियम खेल रही थी तो मैं भी उसके साथ थोड़ा मस्ती करने लगी, और वो सारे कपड़े अपने उठा उठा के सब बाहर फेंक रही थी, और आप देख सकते हैं वो कैसे खेल रही है। तो थोड़ा उसके साथ खेलने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कम से कम आधे घंटे 15 मिनट में उसके साथ जम के खेलती हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं इसमें शाम के बज रहे हैं 5 और मैं किचन में आई हूँ, और मैंने गैस पे आलू चढ़ाने के लिए रखा है। मैं आलू चढ़ा के गैस पे मैं रूम में आई हूँ, क्योंकि श्रियम यहाँ सो रही थी और मैंने कंबल वगैरह ऐसे पड़े हुए थे तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, तो मैं उसको अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ और बिस्तर थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ, तो मैं यहाँ थोड़ा सा मेकअप करने वाली हूँ। तो फेस वॉश से पहले मैं इधर कुछ भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। इधर मैंने थोड़ा सा लैक्मे का पाउडर अप्लाई किया है अपने फेस पे, फिर उसके बाद मैंने अपने थोड़ा सा अपने आईज़ को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए आई शेडो यूज किया है, और आई शेडो मैंने जिस कलर का सूट पहना हुआ है मैं उसी कलर का यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये कलर। तो आज मेरा मन किया कि थोड़ा सा हल्का मेकअप करूँ, सिंपल मेकअप करूँ, शायद आपको पसंद आए, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ही मेकअप किया है, और घर में इतना मेकअप काफ़ी होता है तो आप भी समझ सकते हैं। के बाद मैंने फिर से लैक्मे का जो है पाउडर वो मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं अपने फेस पे थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने आईज के कॉर्नर पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, इससे हमारी आईज को काफी अच्छा लुक मिलता है।
और ये मैं मैक का काजल यूज कर रही हूँ, और ये भी मैक की लिपस्टिक है, ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो ये रेगुलर मैं यूज करती हूँ, अपने होठों पे अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक पसंद है ये कलर। और आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप हो चुका है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस समय बज रहे हैं 5:30 और मैं मेकअप करके अब सीधे मैं किचन में आई हूँ, और किचन में मैंने चाय चढ़ा दी है और मम्मी के लिए और अपने लिए, और इधर मैंने बंद को जो है तवे पे रखा हुआ है, बंद को मैं सेंक रही हूँ, और ये सुबह मैंने लिया था मॉर्निंग में तो बच गया था, तो वही मैंने सोचा कि ये नाश्ते शाम के चाय के साथ मैं इसको सर्व कर दूँ। और इसमें मैं हल्का सा नमक लगा रही हूँ क्योंकि बिना नमक के ब्रेड या बंद नहीं अच्छा लगता। तो गाइस, ये मेरी शाम की जो चाय है वो रेडी हो गई है। तो गाइस, मैं रात के डिनर में आलू का पराठा और धनिया की हरी चटनी बनाई थी, जो कि मैंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि एक बार मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, डिनर उनर करने के बाद मैं यहाँ किचन को क्लीन करने आई हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रात में ही सब किचन और बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग का ये काम ना बचे और मैं मॉर्निंग से अपना नया काम शुरू कर सकूं। तो गाइस, इधर किचन क्लीन करने के बाद थोड़े बर्तन हैं वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। बाकी बर्तन तो मैंने पहले ही क्लीन कर लिए थे, बट जो डिनर सबने किया था वो बर्तन बचे हुए थे तो उसको मैं अभी क्लीन कर लूँगी ताकि वो भी ना बचे और मॉर्निंग तक अपना दूसरा काम शुरू कर सकूँ। और यहाँ जो है लखनऊ में ठंड काफ़ी बढ़ने लगी है, और बाकी तो मैंने वूलन कपड़े जो है वो क्लीन करके रख दिया है साफ करके धो के, लेकिन अभी कुछ जैकेट्स हैं जो मैंने दीवान से निकाला था और उसको भी मुझे धुलना है, और इसमें तो रोज़ ही कपड़े निकल रहे हैं धुलने के लिए क्योंकि ठंड के कपड़े जो है दीवान वान के अंदर होते हैं तो काफ़ी इसमें स्मेल आने लगती है, तो उसको बिना धुले पहनना बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उसको मैं धो के ही पहनती हूँ या फिर सबको देती हूँ पहनने को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किचन उचन जो है मैंने क्लीन कर लिया है, और इधर मैंने जो है बर्तन को क्लीन करके मैं रख रही हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने बर्तन को क्लीन कर लिया है, और आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट फ्रेंड्स। वेरी गुड नाइट फ्रेंड्स। बाय बाय।